विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों से बीजेपी गदगद है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज विश्वास जताया कि बीजेपी गठबंधन राज्य में फिर से सरकार बनाएगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के छोटे भाई का कोरोना से निधन हो गया। उन्होंने आज दोपहर 3:45 बजे आखिरी सांस ली। सुशील मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। 4 साल से फरार चल रहे 7.5 लाख के इनामी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुबे गुर्जर को हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर सुबे गुर्जर का हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों में दबदबा था। वह 40 से ज्यादा मामलों में वांटेड था। देश भर में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिता का रविवार को कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन कमी से होने वाली मौतें रुक नहीं रही हैं। अब बड़वानी जिला अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर में शनिवार रात 9 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई। यहां भर्ती 43 कोरोना संक्रमित तड़पने लगे। घबराए मरीज के परिवार वालों ने बाहर आकर शोर मचाया। आनन फानन में ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए। मरीजों को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। इसमें एक मरीज की मौत हो गई। इधर मौके पर पहुंचे एडीएम का कहना है कि ऑक्सीजन का फ्लो कम हुआ था। बच्चों में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम व संक्रमण के उपचार के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 इन द पेडियाट्रिक एज ग्रुप नाम से जारी इस एडवाइजरी में संक्रमित बच्चों के देखभाल के विषय में विस्तार से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। 1 से 3% कोविड लक्षण वाले बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं, जिन्हें इंटेंसिव केयर में भर्ती कराने की आवश्यकता होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने प्रशासन को कोरोना संकट से जूझ रहे भारत को सभी सहायता प्रदान करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी आश्वासन दिया है कि अमेरिका भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट को देखते हुए अमेरिका अगले हफ्ते से भारत से यात्रा पर रोक लगाने जा रहा है। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका 4 मई से भारत की यात्रा पर रोक लगाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने एक बयान में कहा कि रोग नियंत्रक और रोकथाम केंद्रों की सलाह पर अमेरिकी प्रशासन भारत से यात्रा को प्रतिबंधित करेगा। इंडोनेशिया में 2 यूट्यूबर्स को नकली मास्क के साथ प्रैंक वीडियो बनाना काफी भारी पड़ा है। दोनों पर मास्क से जुड़े स्थानीय नियम तोड़ने के आरोप लगाए गए हैं। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और अब उन्हें देश से निकालने की भी तैयारी चल रही है। कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए इंडोनेशिया में मास्क पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अब इसका असर जानवरों में भी दिखने लगा है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से शेर की मौत की पुष्टि कर दी है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है और सभी राज्यों के सभी राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरी, संरक्षित वन क्षेत्र तुरंत प्रभाव से बंद करने की केंद्रीय वन मंत्रालय के DIG राकेश जगेनिया ने एडवाइजरी जारी की है। देश में कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है। कोविड को रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि संक्रमित लोगों की पहचान की जाए। इसके लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग करने की आवश्यकता है। अब टेस्टिंग को सबसे तेज और सस्ता बनाने वाली एक नई तकनीक की खोज हुई है, जिसमें ड्राइव फेड की सहायता से कोविड-19 की जांच होती है। दरअसल सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने टेस्ट का नया तरीका इजाद किया है। केंद्र सरकार ने उन लोगों को सख्त हिदायत दी है जिन्हें लगता है कि कोरोना महामारी एक फर्जीवाड़ा या स्कैम है। सरकार का कहना है कि ऐसी बातों पर भरोसा ना करें और नियमों का सख्ती से पालन करें। राजस्थान में जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है उसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। अप्रैल में पॉजिटिव केसों और मौतों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि मई में संक्रमण और खतरनाक स्तर पर पहुंचने वाला है। राज्य में पिछले साल मार्च में जब कोरोना ने दस्तक दी, तब से लेकर इस साल मार्च के खत्म होने तक जितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए उसके 79% लोग पिछले महीने में हो गए। पिछले 13 महीने जितनी मौतें कोरोना से हुई उसकी 50% से ज्यादा इस साल अप्रैल में हो गई। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण जयपुर सहित 12 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टल गए हैं। पहले मई जून में चुनाव करवाने की तैयारियां थी, अब कोरोना बेकाबू होने के कारण एक बार फिर अनिश्चितकाल के लिए जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य,
जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव टाल दिए गए हैं। कोरोना के हालात सामान्य होने के बाद ही अब 12 जिलों में चुनाव हो सकेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण चारों ओर फैल चुका है। शहर के लगभग हर इलाके में संक्रमित मरीज हैं। कहीं कम तो कहीं ज्यादा लोग निकल रहे हैं। राज शांति आशियाना वृद्धाश्रम में 40 में से 18 बुजुर्ग कोरोना से संक्रमित पाए गए। कुछ बुजुर्गों का ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे मिला। इन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। शनिवार की दोपहर राजधानी भोपाल के लिए एक बुरी खबर के साथ आई है। गुफा मंदिर के महंत चंद्रमा दास त्यागी ने देह त्याग दी। पिछले 14 दिन तक पालीवाल अस्पताल में वेंटिलेटर पर रहे 42 वर्षीय महंत हरिद्वार कुंभ से लौटने के बाद कोरोना की चपेट में आ गए थे। उनके फेफड़े संक्रमण से 100% खराब हो गए थे। पालीवाल अस्पताल के डॉक्टर JP पालीवाल ने इस खबर की पुष्टि की है। फरीदाबाद के SGM नगर में शुक्रवार को इन्वर्टर की बैटरी में ब्लास्ट हो जाने से घर में अचानक आग लग गई। जैसे ही बैटरी में धमाका हुआ, वक्त रहते सभी बाहर निकल गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। घर के पास की गलियां तंग होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी बड़ी मुश्किल से पहुंच सकी। जसदा जिले के गांव डलानवास में शनिवार सुबह करीब 5:15 बजे एक पति ने मायके गई अपनी पत्नी को गोलियों से भून दिया। गोलियां लगने के कारण पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मृतका के शव को दादरी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अब तक 100 जुडिशियल और 400 कोर्ट कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस विक्रम अग्रवाल ने शुक्रवार को जानकारी दी कि हाई कोर्ट के भी 2 जज, 3 ऑफिसर और 62 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से हाईकोर्ट के एक कर्मचारी की पत्नी की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मृत्यु भी हो गई। इसके चलते हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले से ही तय कर लिया कि बेहद जरूरी मामलों की ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई होगी। गुरदासपुर के रिटायर्ड IAAS अधिकारी DD भारद्वाज का निधन हो गया। 86 वर्ष की उम्र में शुक्रवार को उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में अपनी अंतिम सांस ली। खबर फैलते ही न सिर्फ पैतृक गाँव मिर्जा जान ने बल्कि आसपास के दर्जनों गांव की गरीब मजदूर और किसानों के मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बरसों से इन मोहल्लों में रहते जरूरतमंद परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चे भारद्वाज को अपने मुकद्दर का मसीहा मानते आ रहे थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से मरने वालों का रिकॉर्ड हर दिन टूटता जा रहा है। इस बीच कोरोना संक्रमित मरीजों की अस्पतालों में भर्ती में अड़चन बने रेफरल लेटर की शिकायतों को CM ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में कोरोना मरीज को भर्ती होने के लिए रेफरल लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कोई भी अधिकारी इसकी आड़ लेकर लोगों को परेशान करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के पृथ्वीपुर गांव में पोलिंग बूथ लूटने का प्रयास किया गया। हालांकि ड्यूटी पर तैनात जवान की सतर्कता से घटना होने से बच गई। दरअसल पृथ्वीपुर गांव के बाहर प्राथमिक विद्यालय में पोलिंग बूथ बना था। गांव के लोग लाइन में खड़े होकर वोट डाल रहे थे। इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने फर्जी वोट के नाम पर हंगामा किया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने वोट लूटने का प्रयास किया, लेकिन बूथ पर तैनात बुलंदशहर के जवान नरेंद्र सिंह व सचिन ढाका ने किसी तरह मोर्चा संभाला और उपद्रवियों से बूथ को बचा लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में कोरोना संक्रमण काल में संक्रमित मरीजों की मौत का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कब्रिस्तान में इतने शव पहुंच रहे हैं कि अब वहां मिट्टी की भी कमी पड़ने लगी है। शहर विधायक रफीक अंसारी ने कब्रिस्तानों में शव दफनाने को लेकर हो रही समस्या को देखते हुए अपने विधायक निधि से 25 लाख रुपए देते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में लॉकडाउन के बीच जिला प्रशासन ने छूट दी है। पेट्रोल पंप और बैंक आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। सभी प्रतिष्ठान व अन्य गतिविधियों को बंद रखने के आदेश जारी रहेंगे। जिले में अभी 5 मई तक लॉकडाउन लगा है। आने वाले समय में कोरोना वायरस से संक्रमण को देखते हुए परिवर्तन भी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर निगम रायपुर द्वारा कोरोना मरीजों एवं जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई 3 महत्वपूर्ण सेवाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया। होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को घर पर ही ऑक्सीजन पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। फ्री में यह सुविधा प्रदान करने के लिए नगर निगम की ऑक्सीजन ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी गई है।
कोरोना संक्रमित मरीजों के घर से कोविड मरीजों को कोविड केयर सेंटर लाने, स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों को कोविड सेंटर से घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। महाराष्ट्र में जारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच अब सेलिब्रिटी मदद का हाथ बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर ने मुख्यमंत्री विशेष राहत कोष में 7 लाख रुपए का दान किया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने इस मदद के लिए लता मंगेशकर का धन्यवाद दिया है। इस राहत कोष की स्थापना विशेष तौर पर कोविड-19 महामारी के लिए की गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित टीवी अभिनेता अनिरुद्ध दवे की हालत बिगड़ने के बाद भोपाल के एक अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। इस बात की जानकारी उनकी दोस्त और एक्ट्रेस आस्था चौधरी ने सोशल मीडिया पर दी है। साथ ही उन्होंने फैन से 34 साल के अनिरुद्ध के लिए दुआ करने की अपील की है। बॉलीवुड अभिनेता मेजर विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया है। 52 साल के विक्रमजीत कोविड-19 से संक्रमित थे। शुक्रवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर उनके निधन पर शोक जताते हुए लिखा, सुबह सुबह कोविड-19 से एक्टर मेजर विक्रमजीत कंवरपाल के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कंवरपाल ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में सपोर्टिंग रोल किए थे। उनके परिवार और करीबियों के प्रति दिली संवेदना। एक्ट्रेस कंगना रनौत अब प्रोड्यूसर भी बन गई हैं। कंगना ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने अपने इस प्रोडक्शन हाउस का लोगो भी शेयर किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की है कि वे डिजिटल स्पेस में टीकू वर्ड्स शेरू से प्रोड्यूसर के तौर पर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। कन्नड़ फिल्मों में एक्टर और सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट अर्जुन गौड़ा ने कोरोना काल में एक अलग ही मिसाल पेश की है। वे कोविड मरीजों के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर बन गए हैं। इस काम के लिए उन्होंने स्माइल केयर फॉर ऑल नाम से प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। अर्जुन पिछले कई दिनों से इसी काम में लगे हैं और अब तक करीब 6 लोगों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर तमाम स्तर पर सिस्टम के फेलियर होने के बाद विपक्ष के साथ साथ अब शिवराज सिंह अपनों के निशाने पर आ गए। अब तक जहां पार्टी के कई नेता अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार पर सवाल उठा रहे थे, तो वहीं अब पार्टी की एक नेत्री ने खुले तौर पर शिवराज सिंह को पद से हटने की मांग कर दी है। वैक्सीन की कमी के बीच आज से देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का कहना है कि हमने आज से बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन सिर्फ 3 लाख डोज ही हमें मिले हैं। इसमें से 20,000 पुणे जिला को दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आज हमारे पास 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए वैक्सीन स्टॉक नहीं है और पुणे जिला में टीकाकरण केंद्र बंद थे। बिहार के भोजपुर में बेटी की डोली उठने के दिन ही सुबह में ट्रेन की चपेट में आने से पिता की मौत हो गई। हालांकि इसके बावजूद सामाजिक पहल पर मोहल्ले वासियों और रिश्तेदार के सहयोग से देर रात सादगी और गमगीन भरे माहौल में बिहार में मृतक अरविंद लाल की बेटी की शादी संपन्न हुई। कोरोना वायरस तबाही का और कितना खतरनाक मंजर दिखाएगा, यह किसी को नहीं पता। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहां एक दिन में कोरोना के 4 लाख से अधिक पॉजिटिव केस मिले हैं। यह अपने आप में डराने वाला रिकॉर्ड है। देश में शुक्रवार को कोरोना के अब तक के सर्वाधिक 4,02,110 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,91,57,094 हो गई। साथ ही देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 32 लाख पार कर गई। फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी व्हाट्सएप ने फिर से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी तैयार की है। जल्द ही नई पॉलिसी की पूरी गाइडलाइंस जारी की जाएगी। पिछले विवाद को देखते हुए कंपनी ने इस बार पूरी सावधानी बरती है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को मंजूर करने के लिए डेडलाइन भी तय कर दी गई है। 15 मई तक नई प्राइवेसी पॉलिसी को मंजूर नहीं करने पर आपकी व्हाट्सएप सर्विस बंद हो सकती है। कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे भारत की मदद के लिए अमेरिका द्वारा भेजे गए जरूरी मेडिकल सामानों की पहली खेप शुक्रवार की सुबह दिल्ली पहुँच गई। अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 400 ऑक्सीजन सिलेंडर, करीब 10 लाख कोरोना टेस्ट किट और अन्य उपकरणों को लेकर अमेरिकी विमान दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गया। मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में पानी को लेकर हुई फायरिंग में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के नागरिकों के बीच शुरू हुई पत्थरबाजी में सुरक्षा बल भी शामिल हो गए।
जिसके बाद किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने एक दूसरे पर गोलियां भी चलाई। वहीं पत्थरबाजी में भी कई लोगों के घायल होने की खबर है। यह झड़प तजाकिस्तान के सुग प्रांत और किर्गिस्तान के दक्षिणी बाटकिन प्रांत के बीच स्थित सीमा पर हुई। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को 16 साल पुरानी परंपरा मजबूरी में बदलनी पड़ी है, जिसमें विदेशी उपहार, दान और मदद नहीं लेने का फैसला किया गया था। लेकिन तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के कारण भारत में कई बुनियादी चीजों के लिए मारामारी की स्थिति है। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन, दवाइयाँ और कई तरह के उपकरण ना काफी साबित हो रहे हैं। टाटा ग्रुप द्वारा बिग बास्केट में हिस्सेदारी की खरीद को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के बाद अब बिग बास्केट में टाटा डिजिटल की करीब 65% हिस्सेदारी खरीदने का रास्ता भी साफ हो गया है। टाटा ग्रुप के इस कदम से रिटेल मार्केट में बड़ी प्रतिस्पर्धा होने की उम्मीद की जा रही है। इस अधिग्रहण से टाटा डिजिटल का ई ग्रोसरी मार्केट में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, ग्रोफर से कड़ी टक्कर होगी। सबसे ज्यादा मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल को चुनौती मिलने की उम्मीद है। कोरोना के बढ़ते केस के बीच चुनावी रैलियों पर रोक न लगाए जाने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले दिनों चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी। वहीं अब आयोग ने हाईकोर्ट से मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की अपील की है। चुनाव आयोग के मुताबिक अदालत की मौखिक टिप्पणियों पर जिस प्रकार से रिपोर्टिंग की जा रही है, उसे चुनाव आयोग की छवि धूमिल हो रही है। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का कोरोना से संक्रमित होने के बाद निधन हो गया है। मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह कोरोना संक्रमित थे और राजधानी के पारस अस्पताल में भर्ती थे। शुक्रवार को उनकी मौत की खबर सामने आई है। सरकार ने अपने मुख्य सचिव की मौत की पुष्टि कर दी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उपराज्यपाल ने 11 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। यह लॉकडाउन गुरुवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक चलेगा। प्रदेश के बाकी बचे 9 जिलों में भी लॉकडाउन लागू हो सकता है। कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल की टीचर्स को अब घर से काम करने की इजाज़त दे दी गई है। राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। 20 मई तक सरकारी स्कूल के टीचर वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इंदौर शहर में कोरोना महामारी के चलते 21 अप्रैल से जनता कर्फ्यू लागू किया गया था। इसी के मद्देनजर व्यापार व्यवसाय को बंद रखने के आदेश जारी करते हुए पूछी आवश्यक वस्तुओं को संचालित करने का जिलाधीश मनीष सिंह द्वारा आदेश किए गए थे। उसके बावजूद भी शहर के सियागंज क्षेत्र में संचालित की जा रही कुछ दुकानों को उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिन्हें जिला प्रशासन, पुलिस विभाग सहित नगर निगम द्वारा सील कर दिया गया है। इंदौर शहर में जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर की ऑनलाइन धोखाधड़ी भी शुरू हो गई है। इंडिया के साउथ क्षेत्र से तमिलनाडु और अन्य हिस्सों से लोगों को व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज और कॉल के माध्यम से यह इंजेक्शन, जो कि अब आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, उन्हें देश की बड़ी वेबसाइट के नाम पर इंजेक्शन डिलीवर करने पर फ्रॉड किया जा रहा है। इंदौर में पुलिस द्वारा जनता कर्फ्यू का लोगों से सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इस दौरान बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को जमकर डंडे भी लगाए। इंदौर में कोरोना की चेन तोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने निर्देश पर जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। इसके बावजूद लोग शहर का माहौल देखने के लिए बेवजह घर से निकल रहे हैं, जिसको पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए डंडे बरसाए। उज्जैन जिले के बरनगर कस्बे में कोविड-19 के सेकेंड वेव में लगातार बढ़ रही गंभीर मरीजों की संख्या एवं जिला स्तर पर बेड की अनुपलब्धता के चलते कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर बरनगर के SGM डॉक्टर योगेश भसट, जो स्वयं MD मेडिसिन डॉक्टर हैं, ने रुचि लेकर बरनगर में ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार हो सके, इसके लिए स्थानीय स्तर पर जन सहयोग लेकर मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित बरनगर कस्बे में 60 ऑक्सीजन बेड का अस्पताल खड़ा कर दिया। नागदा रोड पर बीती रात एक तेज गति से बेतरतीब तरीके से आ रहे ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई है। मृतक के छोटे भाई विक्रम गिरी ने बताया कि मेरे भाई अशोक गिरी, पिता मोती गिरी, नागदा से गांव आ रहा था। उस दौरान अज्ञात ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी, जिसे उज्जैन जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। बाद में उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। घटिया तहसील के ग्राम दौलतपुर में देर शाम सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया। एक मकान में युवक की जली हुई लाश मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। मृतक के सिर और गले पर चोट के निशान पाए गए हैं।
प्रथम दृष्टया मामला हत्या का सामने आया है। शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। संभावना व्यक्त की गई है कि 24 से 36 घंटे में पुलिस मामले से पर्दा हटा सकती है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने से भारत में पल्स ऑक्सीमीटर की डिमांड भी अचानक से बढ़ गई है। जानकारी के लिए बता दें कि पल्स ऑक्सीमीटर को ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर भी कहा जाता है, जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड मरीज के लिए जरूरी हो गया है। इसी जरूरत पर ध्यान देते हुए डिटल इंडिया ने अपना नया प्रोडक्ट डिटल प्रो प्लस ऑक्सीमीटर लॉन्च किया है। लॉन्च के साथ ही इसे डिटल इंडिया ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कर दिया है।